राजस्थान में हर तरह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई देखने के बाद शायद अब आलाकमान को ये एहसास हो ही गया कि अभी अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे, जिसकी शायद कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए चिंतन शिविर में कई निर्णय लेने के बाद अब उनको अमली जामा पहनाने की तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं और सचिन पायलट को लेकर भी आलाकमान अब गंभीर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब लग रहा है कि जो पायलट ने इतने समय तक सब्र किया था उसका फल उनको जरूर मिलने वाला है। कांग्रेस ने मिशन 2024 के लिए सचिन पायलट को एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या है वो जिम्मेदारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लीडरशिप नए फैसले ले रही है और उसी सिलसिले में अब मिशन 2024 से पहले तीन कमेटियां बनाई गई हैं। इसमें से एक कमेटी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाई गई है, जिसे टास्क फोर्स 2024 नाम दिया गया है। राजनीतिक मामलों को देखने के लिए पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप का गठन भी किया है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन का गठन किया गया है। इसमें राजस्थान से दो प्रमुख चेहरों को शामिल किया गया है, पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को भारत जोड़ो यात्रा के लिए बनी सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ये ग्रुप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। और ये तो आप जानते हैं कि सचिन पायलट जब प्रचार करने उतरते हैं तो जनता किस कदर उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आती है। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर ये जिम्मेदारी सचिन पायलट को भी दी गई है, क्योंकि कांग्रेस में अगर जनता से जिसका लगाव है तो वो नेता सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही हैं। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा भी शुरू करने जा रही है। ये पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 3500 किलोमीटर की होगी, जिसमें देश भर के लोगों से संपर्क भी किया जाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन जुटाने की कोशिश भी की जाएगी। करीब 6 महीने तक चलने वाली इस यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए 9 सदस्यों का सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप बनाया गया है, जिसमें दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, शशि थरूर, रणवीर सिंह बिट्टू, केजे जॉर्ज, ज्योति मनी के अलावा जीतू पटवारी, सलीम अहमद और प्रद्युत बोरदोले भी शामिल हैं। देश भर के तात्कालिक राजनीतिक मसलों पर पार्टी की स्टैंड तय करने के लिए और उस पर प्लानिंग बनाने के लिए पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप भी बनाया है, जिसमें राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल और जितेंद्र सिंह को शामिल किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने टास्क फोर्स 2024 भी बनाया है, जिसमें पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिकी, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुनील कानूगोलू को शामिल किया गया है, जो 2024 के चुनावों के मद्देनजर देश भर में पार्टी की संगठनात्मक और चुनावी रणनीति पर पार्टी अध्यक्ष को राय देने के साथ साथ उसकी प्लानिंग भी बनाएगी। तो ये थी वो पूरी प्लानिंग जो कांग्रेस अब बनाकर आगामी चुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब होगा? ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टेक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।